हे गाइस, वेलकम बैक टू माय डिजिटल फिल्म। तो शुरू करते हैं अपना व्लॉग। आज मैं दिखाने वाला हूं आपको एक फिर से हेयर पीआरपी का केस। जी हां, ये हमारे न्यू पेशेंट है। न्यू पेशेंट इन द सेंस इनकी दो सेटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने जैसे कि पहले आते ही एले क्रीम जो लगा चुके हैं, एले क्रीम लगाने के आधा पौना घंटा बाद हम इनका स्टार्ट करते हैं हेयर पीआरपी में। हेयर पीआरपी में जैसे कि हम क्या करने वाले हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। इनका सॉरी, थोड़ा सा आपको बगल में आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा सा वो हमारा कारपेंटर का थोड़ा सा काम क्लीनिंग में चल रहा है, दैट्स वाई थोड़ा सा नॉइस आएगा, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या हम करने वाले हैं, क्या क्या स्टेप होने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हैं हम अभी क्या कर रहे हैं, हम प्लाज्मा को इंजेक्ट कर रहे हैं और साथ साथ में ही हम जो हमारा डर्मा पेन है उसको भी हम चला रहे हैं। तो इससे क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, जो हमारा प्लाज्मा है वो अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं और डर्मा पेन से उसको हम वापस से सर्कुलेशन को पूरी हेल्प कर रहा है, जिसके वजह से हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं, यही कंटिन्यूसली हम टारगेट एरिया में सबसे पहले हम टारगेट एरिया को अपनाएंगे, देन उसके बाद हम अपने धीरे धीरे पूरे और जो सरफेस एरिया है उन पे हम इंजेक्ट करेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस होता है। आप जो भी हमारे व्यूअर्स आप देख रहे हैं, इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो हेयर फॉल की, बाल्डनेस की या डैंड्रफ की, तो ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आपके बाल को उगाने के लिए। डैंड्रफ हेयर फॉल की समस्याओं को पूरा जड़ से ख़त्म करने के लिए ये बहुत ही असरदायक इलाज होता है। तो जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, तो जो भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे हेयर फॉल और बाल्डनेस है, या हमारे दांत बाल हमारे काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हैं, कमज़ोर हो गए हैं, डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो उसके लिए भी ये पीआरपी जो हेयर पीआरपी होता है बहुत ही ज़्यादा असरदायक रहता है। सबसे अच्छी बात है इस ट्रीटमेंट की, आपको दर्द नहीं होता, पेन नहीं होता, और बस आपका ब्लीडिंग लेते समय थोड़ा सा ब्लड लेते हैं, बाकी उसके बाद जो भी इसका ट्रीटमेंट रहता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले हम डर्मा रोलर चलाते हैं, फिर इंजेक्ट करते हैं। ये हमारा 2 या 3 बार राउंड में हम कंप्लीट करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम एक बार में ही पूरा इंजेक्ट करेंगे तो पेशेंट को भी दर्द होने लगता है, उसको भी ऐसा लगता है यार क्या हो रहा है, इसलिए हम शिफ्ट में करते हैं। पहले डर्मा रोलर चलाया, फिर हम वाइब्रेशन मशीन चलाई, फिर हमने प्लाज्मा को डाला। तो इस तरीके से हम अपने शिफ्ट वाइज काम करते हैं। तो अगर जैसे कि जो वीडियो देख रहे हैं उनकी किसी भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट के थ्रू आप मैसेज कर सकते हैं। डेफिनेटली उसका हम इलाज का कितना खर्चा आ सकता है, कितने खर्चे में हो जाएगा, कितने में नहीं होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको मैसेज में ही क्लियर कर दूंगा। और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी डॉक्टर रोहित स्किन सिंह के नाम से आप DRROHIIT के नाम से अवेलेबल हैं, वहाँ पर अभी आप मैसेज कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियो भेजा दें। तो ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया कंप्लीट, और इनको हम फिर से स्प्रे कर देंगे मिनोक्सिडिल का, एंड देन इनको कैप पहना के भेज देंगे। ये हमारा तुम्हें अगर कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए अच्छे वीडियो के साथ, और आप लोग यहाँ तक देखें उसके लिए भी धन्यवाद।